Hi everyone, welcome to this video. This is Aarti Mishra, one of the top educators. I have been teaching for UPSC CSE since last 4 years. And today in this video, we'll learn that how to complete geography, how to read this, because there are two books and in dono books mein hum bahut confused rehte hain, G.C. Leong and Majid Hussain. In dono mein se kaun si book aapko padhni chahiye, iske baare mein hum aaj baat karne wale hain. Sabse pehle to main G.C. Leong ke baare mein aapko batati hoon, kyunki ye ek bahut hi, aapke तो बहुत ही क्रिस्प बुक है, बहुत ही शॉर्ट बुक है. सो वॉट एवर यू रीड, चाहे आप G.C. Leong पढ़ो या माजिद हुसैन पढ़ो, इससे पहले आपको NCERT 6th to 12th न्यू NCERT ज्योग्राफी की पढ़नी होगी. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ज्योग्राफी की सभी न्यू NCERTs को सबसे पहले कवर करें. स्पेशली क्लास 11th की जो NCERT है ज्योग्राफी की, उसको कम से कम आप 2-3 बार ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके बाद जो अगली बुक है वो है आपका एनवायरमेंट के लिए, शंकर IAS की जो एनवायरमेंट की मटेरियल आती है, दैट यू कैन रीड, दैट इज़ ऑसम. और बहुत ही अच्छे से वो आपका जो इकोलॉजी का पार्ट है कवर कर देती है. फिर रिवीजन पर्पस से G.C. Leong इज़ बेस्ट. आई वुड से कि इससे ज़्यादा बेटर कोई और बुक नहीं है, बिकॉज G.C. Leong अगर आप लेते हैं तो बहुत ही कम समय में उसे आप 2-3 दिन में ही पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं. अगर आपके पास इन सबके बाद टाइम बचता है तो आप माजिद हुसैन पढ़ सकते हैं, लेकिन वो एक आप कह सकते हो कि वो बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी नहीं है. मतलब इफ़ यू हैव टाइम एंड अगर आप मान लो कि अगले साल के लिए या उसके अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपके पास 1-2 साल का पूरा समय है और आप फील कर रहे हो कि येस यू कैन गो फॉर इट, और आप जो है आपको लगता है कि आपको जो है ज्योग्राफी और ज़्यादा समझनी है, थोड़ी और डिटेलिंग चाहिए आपको, तो फिर आप माजिद हुसैन पढ़ सकते हैं. अदरवाइज माजिद हुसैन इतनी रिक्वायर्ड है नहीं. ज़रूरी है कि आपके एटलस पे अच्छी कमांड हो, ज़रूरी है कि आपका बेसिक अच्छा रहे, ज़रूरी है आपकी बहुत अच्छे से अपनी NCERT और G.C. Leong पे कमांड लेकर के जाएं, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर ये हो जाता है तो आप माजिद हुसैन की तरफ जा सकते हैं, अगर आपको टाइम परमिट करता है. इफ़ यू आर नॉट अ वर्किंग प्रोफेशनल, आप फ्री हो, आप कॉलेज स्टूडेंट हो, इस तरीके की चीज़ें हैं, तो आप बिल्कुल इस तरफ जा सकते हैं और माजिद हुसैन पढ़ सकते हैं. कहीं से भी देखिए, वो वेस्ट तो नहीं होगा, बिकॉज वो नॉलेज आपके काम ही आएगी, कहीं ना कहीं आपको हेल्प भी करेगी और आपको क्लैरिटी भी ज़्यादा होती है. तो माजिद हुसैन में क्या है कि कुछ बहुत अननेसेसरी चीज़ें, अब उसे पढ़ना कैसे, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है. NCERT और G.C. Leong में तो आपको पूरा ही पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है, लेकिन माजिद हुसैन को पढ़ने से पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप एक बार ज़रूर सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें, क्योंकि माजिद हुसैन में बहुत सारी अननेसेसरी डिटेल्स भी हैं जो शायद ऑप्शनल के लिए रिक्वायर्ड हैं, बट जनरल स्टडीज़ के लिए, GS के लिए इतनी रिक्वायर्ड नहीं है. तो इन सब चीज़ों का ध्यान में आप रखेंगे और पढ़ेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़िए और माजिद हुसैन को आप साइड में रखें, जो है पहले अपना सिलेबस पूरा पढ़िए. आपने मान लो G.C. Leong 2 बार पढ़ ली है, 2-3 बार आपने शंकर IAS रिवाइज कर ली है, आपके NCERT पे कमांड हो गई है, तो बस वो सफिशियंट है, फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. बट इफ़ यू फील नहीं, आई वॉन्ट मोर डिटेलिंग, थोड़ा मैं और डिटेल में जाना चाहता हूँ, मेरे पास टाइम है, एक बार यू नो रिवीजन पर्पज से आई जस्ट वॉन्ट टू सी, तो आप माजिद हुसैन भी पढ़ सकते हैं. लेकिन मैं आपको कहूँगी गाइज, इससे भी अच्छी एक और बुक आती है, वो है ज्योग्राफी थ्रू मैप्स, KBC नैनो की. तो वो मैप्स के थ्रू पूरी ज्योग्राफी जो है वो कवर करती है, इंपॉर्टेंट रिवर्स को, माउंटेन्स को, और वो पढ़ना मतलब इट वुड बी रियली रियली ग्रेट इफ़ यू टेक दैट बुक. तो प्लीज़ बाय दैट, एंड उसका सब चीज़ों का बुक का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ. और आई एम रियली सॉरी गाइज, अनफोर्सीन सर्कमस्टांसिस में आई एम मेकिंग दिस वीडियो ड्यू टू वेरी टाइट शेड्यूल, तो टाइम नहीं मिल पाया है बिल्कुल भी जो है प्रॉपरली जो है शेड्यूल करके वीडियो रिकॉर्ड करने का. सो इसलिए जो है इस तरीके से रिकॉर्डिंग चल रही है. जो भी हो, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो वो आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. नए बैचेज जो शुरू हो रहे हैं अनअकैडमी प्लस के लिए, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. आज ही नए नए बैचेस शुरू हो रहे हैं और उन सारे बैचेस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. आपको जो है ध्यान रहना चाहिए कि आप Rank 10 का कोड अप्लाई करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, और मेरी पर्सनल गाइडेंस थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो प्लीज़ यूज़ Rank 10 रेफरल कोड एंड ज्वाइन एन अकेडमी प्लस, क्योंकि आज ही 3 नए बैचेज, इंग्लिश, हिंदी, बायलिंगुअल, हर प्रकार के बैचेज जो हैं वो शुरू हुए हैं, तो इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय.